लेट्स डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड दैट इज H2O। अब देखिए स्ट्रक्चर देखने के बाद हमें पता चलता है, सबसे पहली बात, इट इज नॉन लीनियर एंड नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। सो इट इज नॉन लीनियर एंड नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। एक चीज याद रखें, इसका स्ट्रक्चर ओपन बुक जैसा दिख पड़ता है। सो इट हैज ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। और इसमें जो OO लिंकेज होता है दैट इज कॉल्ड पेरोक्सी लिंकेज विच इज वीकर वन। सो द OO लिंकेज इज कॉल्ड एज पेरोक्सी लिंकेज विच इज क्वाइट वीकर। ये वीक लिंकेज होता है, याद रखें। सो इट वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब स्ट्रक्चर के बाद हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन की। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब जैसे हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड कमर्शियली प्रोड्यूस कर लिया है, तो उसको कॉन्सेंट्रेट कैसा करेंगे? तो सबसे पहली बात, डाइल्यूट H2O2 इज कॉन्सेंट्रेटेड टू अबाउट 50% बाय स्लो इवेपोरेशन ऑन वाटर बाथ। सो वाटर बाथ के ऊपर उसको स्लोली इवेपोरेट करो, तो हमें 50% तक के क्या बोलते हैं उसको H2O2 मिलेगा। सो डाइल्यूट H2O2 इज कॉन्सेंट्रेटेड अबाउट 50% बाय स्लो इवेपोरेशन ऑन वाटर बाथ। सो वाटर बाथ के ऊपर उसको स्लोली इवेपोरेट करने से हमें 50% H2O2 मिलेगा। अब उसको फर्दर 90% करने के लिए वैक्यूम डेसिकेटर का यूज करना होगा, और उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी लैक है जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, याद रखे। सो इट इज फर्दर कॉन्सेंट्रेटेड टू 90% in vacuum desiccator by using concentrated H2SO4 as dehydrating agent। अब इसको further 99% concentrated करने के लिए इसको डिस्टिल करना होगा अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, क्योंकि अगर प्रेशर रिड्यूस नहीं करेंगे तो चांसेस होंगे इसके डिकम्पोज होने के। सो फर्दर कॉन्सेंट्रेशन टू 99% इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन under reduced pressure, और इसके बाद जो आखिरी ट्रेसेस है 99% H2O2 के, उसमें से मॉइस्चर रिमूव करने के लिए हमें कूल करना होगा ऑन कोल्ड बाथ, फॉलोड बाय द सीडलिंग विद फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ प्योर H2O2, ताकि हमें निडल शेप्ड 100% H2O2 मिले, याद रखें। सो लास्ट ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर इन 99% H2O2 आर रिमूव्ड बाय कूलिंग
263 केल्विन इन कोल्ड बाथ, फॉलोड बाय सीडिंग विथ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ व्हाट, H2O2, व्हेन निडल शेप 100% H2O2 क्रिस्टल्स सेपरेट आउट। ये चीज हम करेंगे। अब ये जो क्रिस्टल्स है इसको ड्राई करके मेल्ट करो ताकि 100% H2O2 लिक्विड मिले। सो दीज क्रिस्टल्स आर ड्राइड एंड मेल्टेड टू गेट 100% H2O2, दैट टू इन लिक्विड फॉर्म। तो इस प्रकार से हमें H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन देखना होगा।